हेलो एवरीवन, जय शुक्ला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बेहद डरावनी और रियल हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूं। तो अगर आप लोग रियल हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की तरफ। दोस्तों, जो हमारी पहली कहानी है वो अनुज जी के साथ घटी हुई एक बिल्कुल सच्ची घटना है। तो आगे की जो कहानी है मैं आपको अनुज जी के नजरिए से ही सुनाने वाला हूं। मेरा नाम अनुज है। ये बात आज से 3 साल पहले की है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि उस रात मेरी चाची रात में घर से बाहर शौच के लिए गई हुई थी और जब वो लौट कर आई तो रात के 9:30 बज रहे थे। हम सभी लोग सोए तो नहीं थे, पर सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। अब चाची आते ही घर में रखा सारा सामान इधर उधर फेंकने लगी और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। ये देखकर सब लोग घर के आंगन में आ गए और घर की औरतों ने चाची को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस भाग दौड़ में चाची के कपड़े भी खुल गए थे। वो अधनग्न हालत में पागलों की तरह शोर मचा रही थी और किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। और तभी चाची बेहोश हो गए। उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटाया गया, फिर डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा कि इन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप लोग चिंता मत करिए, ये ठीक हो जाएंगे, मैं नींद की दवा दे रहा हूँ, ये ठीक से सो लेंगे तो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगे। अभी डॉक्टर चाची के बारे में हमें जानकारी दे रहा था तभी चाची की आँख खुल गई। सबने देखा कि चाची की आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल हो चुकी थी और चाची ने डॉक्टर का हाथ जोर से पकड़ लिया और तेजी से झटका मारा तो डॉक्टर की चीख निकल गई और उसका टूटा हुआ हाथ चाची के हाथों में आ गया और डॉक्टर चीखते हुए कुर्सी से नीचे गिर गया और बुरी तरह से तड़पने लगा। आंगन में डॉक्टर के खून से पूरी फर्श लाल हो गई थी। ये भयानक मंजर देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए और उधर चाची भागते हुए घर की छत पर चले गए। घर पर पापा और चाचा ने आपस में बात की कि पहले डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनका खून लगातार बहता जा रहा था। तो वो दोनों डॉक्टर को लेके हॉस्पिटल चले गए और इधर घर में छत से चाची की बहुत ही भयानक तरीके से चीखने तो कभी हंसने तो कभी रोने की आवाजें आ रही थी। घर पर सभी लोग घबराए हुए थे। तभी दादी ने कहा कि इस औरत पर किसी भूत प्रेत का साया है, इसे पीर फकीर ही ठीक कर पाएंगे। तब तक चाचा और मेरे पापा भी आ गए और सभी लोगों को दादी की बात ठीक लगी। तो पापा ने मुझे बोला कि काली माता मंदिर के पुजारी के पास जाकर ये सारी बातें पुजारी जी को बताओ, शायद उनके पास इसका कोई उपाय हो। फिर मैं मंदिर के पुजारी जी के पास पहुंचा। अब रात के 3 बज रहे थे। शायद नींद की वजह से या फिर किसी कारण पुजारी जी ने मेरी बात पर उतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक कपड़े में लपेटकर नारियल दिया और कहा कि इसे अपनी चाची के सर से उतरवा कर जमीन में गाड़ देना। तो मैं नारियल लेकर घर आ गया। घर पहुंचा तो देखा चाची चारपाई पर लेटी हुई थी और मम्मी ने बताया कि छत पर चाची बेहोश पड़ी थी, तो उन्हें लाकर चारपाई पर लिटाया गया है। फिर चाचा ने चाची के सर से नारियल उतारा और घर के बाहर जमीन में गाड़ दिया। सभी को लगा कि जो भी मुसीबत थी अब टल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि चाची का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने छत पर पले हुए एक जानवर को भी मारकर खा लिया, और वो भी कच्चा, किसी जंगली जानवर की तरह। फिर इस बार चाचा और मेरे पापा पुजारी जी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई और कहा कि आप घर चलकर देखिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो पुजारी जी मेरे घर पर आ गए और जब उन्होंने चाची को घर पर शोर मचाते और भयानक हरकतें करते हुए देखा तो उन्होंने बताया कि ये तो बहुत ही शक्तिशाली और दुष्ट आत्मा है, इससे निपटने में
मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी है जो इसमें आपकी मदद कर सकता है। तो चाचा ने कहा कि बताइए कौन है वो आदमी। तो उन्होंने कहा कि वो आदमी इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कभी इस जंगल में तो कभी किसी दूसरे जंगल में होता है। फिलहाल मुझे इतना पता है कि वो इन दिनों इसी गांव के पास वाले जंगल में है, लेकिन इतने बड़े जंगल में आपको उसे ढूंढना पड़ेगा। चाचा ने कहा कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और फिर चाचा और मेरे पापा, मैं और बाकी दो तीन लोग उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। हमने पुजारी जी से भी रिक्वेस्ट की साथ चलने के लिए, तो वो भी हमारे साथ चल दिए। फिर दो दिन तक लगातार जंगल में खोजने के बाद हमें वो साधु जैसा आदमी एक जगह पर बैठे हुए मेडिटेट करते हुए दिखाई दिया। हम सभी उसके पास जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब उसे मालूम हुआ कि हम सभी उसके पास बैठे हैं, तो वो आदमी उठकर खड़ा हुआ और बोला कि आप लोग किसी बड़ी परेशानी में लग रहे हैं। तो चाचा ने कहा कि मेरी पत्नी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, उस पर किसी बुरी आत्मा का साया हावी हो गया है, कृपया करके आप हमारी मदद कीजिए। तब उस आदमी ने कहा कि ठीक है, तुम लोग अपने घर जाओ, मैं आ जाऊंगा। तो मैंने कहा कि मैं आपको अपने घर का पता बता देता हूं। तो वो आदमी बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगा। फिर हम सभी लोग उस आदमी को प्रणाम करके वहां से घर आ गए। फिर इसके बाद 3 दिन बीत गए, लेकिन वो आदमी घर पर नहीं आया। सभी लोग परेशान थे। चाची ने पूरे घर को सर पर उठा रखा था और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। चाची ने 1-2 लोगों को गंभीर रूप से चोट भी पहुंचा दी थी। उनके सामने जाने की किसी में भी हिम्मत नहीं होती थी। फिर मैं वापस पुजारी जी के पास गया और उन्हें बताया कि वो आदमी अभी तक घर नहीं आया है, क्या हमें फिर से उसे ढूंढने जाना चाहिए। तो पुजारी जी ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने कहा है तो वो जरूर आएगा। और फिर 5वें दिन वो आदमी घर पर आया और अंदर आने से पहले ही उसने कहा कि घर में जो भी मांस मदिरा रखा हो उसे बाहर निकाल दो। हमने वैसा ही किया और फिर वो आदमी घर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर आकर उसने सबसे पहले चाची के माथे पर भभूत लगा दिया और इसके तुरंत बाद चाची बेहोश हो गए। और फिर कुछ देर बाद चाची जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, मानो वो बहुत ही ज्यादा कष्ट में हो। फिर अचानक से चाची हवा में उड़ने लगी और जोर से ही बिस्तर पर आकर गिर गए। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो गए। सभी के चेहरों पर डर साफ साफ देखा जा सकता था। किसी ने भी इतना भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा था। उस आदमी ने कहा कि चिंता मत करो। फिर उसने सभी लोगों को घर से बाहर जाने के लिए कहा। जब सभी लोग घर से बाहर आ गए तो अंदर से कई सारी भयानक आवाजें आने लगी। सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। फिर बाहर आकर उस आदमी ने कहा कि इस आत्मा में असीमित ताकत है, इसे कैसे भी आप लोगों को मेरे पास जंगल में लाना होगा। तो मेरे पापा ने कहा कि कब लाना है। तो उस आदमी ने कहा कि कल रात 12 बजे ठीक उसी जगह पर जहां पर मैं आपको मिला था, इसे लेकर वहां आ जाना, मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो पापा ने कहा कि ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। फिर वो आदमी चला गया और फिर घर में चाची ने सभी को परेशान करना थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन सभी को पता था कि ये बस उस आत्मा की एक चाल थी। वो आत्मा सभी को ये दिखाना चाहती थी कि अब चाची बिल्कुल ठीक है और इन्हें कहीं भी ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगली रात ही मेरे पापा और चाचा ने गांव के कई सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया और चाची को जंजीर से बांधा गया। फिर सभी लोग जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे जंगल में वो जगह करीब आती जा रही थी, वैसे वैसे चाची के अंदर जो आत्मा थी वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक होती जा रही थी। और इतने सारे लोगों की मजबूत पकड़ के बावजूद चाची सभी से दूर भागने लगे।
लेकिन जल्दी से सभी लोगों ने फिर से उन्हें पकड़ लिया और फिर सभी उस आदमी के पास पहुंच गए। जैसे ही उस आदमी ने चाची को देखा, चाची जोर जोर से गुर्राने लगी और वो पता नहीं चीख चीख कर क्या कह रही थी, जो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो आदमी भी किसी अलग भाषा में चाची से बात करने लगा। फिर उस आदमी ने कहा कि इसे छोड़ दे, इस औरत ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तू इसे बेवजह ही परेशान कर रहा है। तो फिर वो आत्मा बोली कि उस रात मैं पेड़ पर बैठा हुआ था और ये सोच के लिए आई थी, उसी रात ये मुझे पसंद आ गई थी और अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। फिर उस आदमी ने अपने पास रखे एक बोरी को उठाकर चाची के ऊपर डालने के लिए कहा। उस आदमी ने कहा कि इस बोरी में भरे अभिमंत्रित भभूत से इस औरत को नहला दो। कुछ लोगों ने चाची को कसकर पकड़ रखा था तो वहीं कुछ लोगों ने उन्हें भभूत से नहलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे भभूत उनके ऊपर डाले जा रहे थे, चाची जोर जोर से चीख रहे थे तो कभी चिल्ला कर सभी को दूर हटने के लिए कह रहे थे। फिर उस आदमी ने अपनी पूजा शुरू की और कुछ आधे घंटे बाद जब उसकी पूजा पूरी हो गई तब चाची भी वहीं पर बेहोश होकर गिर गए और उनका शरीर फिर धीरे धीरे ठीक होने लगा। लगभग 2 महीने का समय लगा चाची को पूरी तरह से रिकवर होने में। फिर उसके बाद वो बिल्कुल से ठीक हो गए। चाची बताती हैं कि उनके साथ क्या हुआ उन्हें कुछ याद नहीं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो सो रही थी। और आज भी चाची के साथ घटी घटना का कोई भी उस घटना को भुला नहीं पाया है। इसके बाद उस आदमी को हमने फिर कभी नहीं देखा। तो दोस्तों ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। दोस्तों जो हमारी अगली कहानी है वो साहिल जी की है, तो आइए इनकी कहानी को सुनते हैं। मेरा नाम साहिल है, ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 3 से 4 साल पहले की है। तो हुआ कुछ यूं कि मैं अपने घर पर शाम की कोचिंग पढ़कर आया तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा घर पर सारा पानी खत्म हो गया है, पीने के लिए भी पानी नहीं है। तो इस पर मैंने कहा कि तो क्या हुआ, अभी जब सप्लाई वाटर छूटेगा तो सभी के घर में पानी आ जाएगा। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मुझे पता चला है कि सप्लाई वाली पाइप टूट गई है तो उस पर काम चल रहा है, इसीलिए आज पानी नहीं आएगा। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूं। तो मेरी माँ ने मुझे बाल्टी देते हुए कहा कि तुम डायरेक्ट टंकी से पानी लेकर घर पे आ जाओ। तो फिर बाल्टी लेकर मैं अपने घर से बाहर निकला। उस वक्त शाम के 7-7:30 बजे का वक्त हो रहा था। तो जब मैं वहां पहुंचा तो बाहर गेट पे मुझे एक आदमी ने रोका और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उसे बताया कि मेरे घर पर पीने का पानी नहीं है, तो बस मैं एक बाल्टी पानी लेने के लिए आया हूं। तो उस आदमी ने कहा कि वैसे शाम होते ही कोई भी कर्मचारी तक उस टंकी के पास नहीं जाता है। तो ये सुनकर मैंने कहा कि क्यों, ऐसा क्या है वहां पे। तो उसने कहा कि रहने दो, तुम उन बातों को जानकर क्या करोगे। तो मैंने कहा कि लेकिन मेरे घर पर जरा भी पानी नहीं है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर उस आदमी ने कहा कि चलो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और फिर हम दोनों उस टंकी पर पानी भरने के लिए जाने लगे। एक बात मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि वो रास्ता इतना सुनसान है कि आसपास वहां पर एक भी घर नहीं है। हम दोनों जब उस टंकी के पास पहुंचे तो मैंने देखा कि वो आदमी काफी घबराया हुआ था। उसने मुझसे कहा कि जल्दी से पानी भरो। तो मैं अपनी बाल्टी में पानी भरने लगा। जब मैं पानी भर रहा था तो मुझे दूर अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थी और फिर अचानक से वही लाल आंखें मुझे पानी की टंकी के अंदर दिखाई दी। ये देखकर मैं काफी घबरा गया कि आखिर ये कौन सी चीज है जो कि कभी यहां तो कभी अचानक से दूर चमकती हुई दिखाई देती है। अभी मैं कुछ समझ नहीं पाया था
मुझे लगा था कि शायद ये किसी बल्ब की रोशनी या फिर कोई रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन फिर मैंने उस आदमी से कहा कि ये लाल दो आंखें जो चमकती हुई दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? तो उसने कहा कि उस पर ध्यान मत दो, जल्दी से पानी भरो और निकलो। फिर जब मैंने अपनी बाल्टी भरी और वहां से जाने लगा तो पीछे से मुझे उसी टंकी के पास से एक बहुत ही भयानक गुर्राने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर मैं और वो आदमी जल्दी से वहां से भागे और फिर बाहर आकर मैंने उस आदमी से पूछा कि ये क्या था, तुम मुझे सच सच बताओ। तो फिर उस आदमी ने बताया कि बहुत साल पहले यहां पर किसी टंकी में कूदकर एक औरत ने सुसाइड कर लिया था, तभी से लोगों का मानना है और मैंने भी कई बार अनुभव किया है कि उस औरत की आत्मा यहां पर भटक रही है। ये सुनकर मैं भी काफी ज्यादा डर गया और फिर मैं वहां से घर आ गया था। घर पर जब मैं पहुंचा तो तब तक मेरे पापा भी घर पर आ चुके थे। मैंने मम्मी और पापा को सारी बात बताई तो मुझे पापा ने खूब डांट लगाई कि तू वहां पर क्यों गया था। पापा ने बताया कि वहां पर दो लोगों की अजीब तरीके से मौत भी हो चुकी है, कोई भी वहां पे नहीं जाता है। ये सारी बातें सुनकर मम्मी भी काफी ज्यादा डर गई और फिर पापा ने कहा कि अब कभी भी दोबारा वहां पे मत जाना, वो जगह सही नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों जो हमारी अगली कहानी है वो अमित तिवारी जी की है। तो आगे की कहानी अमित तिवारी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सुनाने वाला हूं। मेरा नाम अमित तिवारी है, ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से 3 साल पहले की है। तो उन दिनों गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी तो मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था। नानी का घर बहुत ही बड़ा है और जब मैं नानी के घर पहुंचा तो उस वक्त नानी छत पर कपड़े सूखने के लिए डाल रहे थे। मैं नानी को ढूंढते ढूंढते घर की छत पर पहुंच गया। जब नानी ने मुझे देखा तो वो बहुत खुश हुए और मैंने नानी का आशीर्वाद लिया। फिर हम दोनों घर में आ गए। फिर नानी ने मेरे लिए खाना बनाया। दोस्तों नानी का बनाया हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा लगता है। फिर मैंने पेट भर के खाना खाया और फिर मैं सो गया। दोपहर के वक्त मैं नानी के घर पहुंचा था तो खाना पीना करके मैं जब सो गया तो फिर मेरी नींद सीधे शाम को खुली तो मैंने देखा कि नानी ऊन से कुछ बुन रही थी। फिर मैं नानी के पास जाकर बैठ गया और हम बातें करने लगे। मैंने नानी को बताया कि मेरे कई सारे दोस्त हैं और वो सभी इस बार छुट्टियों में अपने मामा मामी और नानी के गांव गए हैं। फिर बातों बातों में ही मैंने नानी से पूछ लिया कि नानी आप इतने बड़े घर में अकेले रहती हो, आपको डर नहीं लगता? तो नानी ने मुस्कुराकर कहा कि डर कैसा, ये घर मेरा ही तो है। और फिर मैं रात में भी घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सोते हूँ। मैंने कहा कि वो तो ठीक है लेकिन मैं कोई चोर लुटेरे की बात नहीं कर रहा हूं। तो नानी ने कहा कि फिर किसकी बात कर रहा है? तो मैंने कहा कि आप यहां अकेले रहते हो, आपको भूत प्रेत से डर नहीं लगता? और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जहां पे मेरी नानी का घर है उससे कोई आधा किलोमीटर दूर ही शमशान घाट है, जहां ना जाने कितनी लाशें जलाई जाती हैं। तो इस पर मेरी नानी ने कहा कि नहीं, मैं भूत प्रेतों से नहीं डरती क्योंकि उनसे मुझे कोई खतरा नहीं है। नानी की ये बात मुझे थोड़ा अजीब लगी क्योंकि जब वो ये बात बोल रही थी तो एक पल के लिए उनके बोलने के तरीके और मुझे अजीब तरह से देखने से मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। लेकिन मैंने फिर कहा कि क्यों नानी, आपको भूत प्रेतों से खतरा क्यों नहीं है? तो नानी ने कहा कि अब इन सब बातों को छोड़ो, तुम्हें सोना नहीं है क्या? देखो रात काफी हो गई है, चलो खाना खा लो और फिर सो जाओ। फिर हम दोनों यानी कि मैंने
और नानी ने खाना खाया और मैं अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। मगर वहां सोते हुए मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना नानी के पास ही सोते हैं। तो जब मैं नानी के कमरे में गया तो तब तक नानी भी बिस्तर पर लेट चुके थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो बोली कि क्या हुआ, तू अभी तक सोया क्यों नहीं है? तो मैंने कहा कि पता नहीं क्यों नानी, पर मुझे अपने कमरे में नींद ही नहीं आ रही है, क्या मैं आपके साथ इसी कमरे में सो जाऊं? तो नानी ने कहा कि नहीं, मैं रात में किसी को भी अपने कमरे में सोने नहीं देती हूं, तू चाहे तो हॉल में जाकर सो जा या फिर किसी दूसरे कमरे में चला जा, लेकिन यहां मैं तुझे सोने नहीं दूंगी। नानी की यह बात सुनकर मुझे अजीब तो लगी थी, लेकिन मुझे पता था कि नानी कभी भी किसी को भी अपने कमरे में सोने नहीं देती हैं। तो फिर मैं हॉल में ही जाकर सोफे पे जाके सो गया और रात में यही कोई 2 या 2:30 बजे के आसपास मेरी नींद खुली और मैंने घर के बाहर कुछ अजीब सी आवाजों को सुना। तो मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर एक दो नहीं बल्कि कई सारे अजीब जीव घर के बाहर घूम रहे थे और उनकी आंखें लाल सुरख थी और वे सारे मुझे ही देख रहे थे। ये देखकर मैं तो बहुत डर गया। तभी मैं भागकर नानी के कमरे की तरफ गया तो नानी का कमरा अंदर से बंद था। मैंने बार बार दरवाजा खटखटाया, नानी को कई बार आवाज भी लगाई, लेकिन नानी ने दरवाजा नहीं खोला और फिर मैं वापस हाल में जाकर लेट गया। कुछ आधे पौने घंटे के बाद मैंने सोचा कि चलकर फिर एक बार कोशिश करता हूं, शायद इस बार नानी दरवाजा खोल दें। ये सोचकर मैं फिर से नानी के कमरे के बाहर पहुंचा तो अंदर से मुझे कुछ बहुत ही अजीब भाषा में बात कर रहे लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं उस भाषा को पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन मैं तब दंग रह गया जब मैंने नानी को भी बात करते हुए सुना। नानी क्या बोल रही थी ठीक से समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की और तभी अंदर से किसी की बहुत ज्यादा भारी आवाज में गुस्से से आवाज आई, यहां से तुरंत दूर हट जाओ। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं भाग कर इस बार अपने कमरे में चला गया और कमरे का दरवाजा मैंने अंदर से बंद कर लिया। पूरी रात मैं जागता रहा। सुबह जब सब कुछ नॉर्मल लगा तो मैं बाहर निकल कर आया तो देखा कि नानी चाय बना रही थी। मैं थोड़ा सहमा हुआ था तो नानी ने कहा कि क्या हुआ, तुझे पसीना क्यों आ रहा है, चल चाय बन गई है, बिस्किट के साथ चाय पी ले। मैंने चाय पीते हुए ही हिम्मत जुटाई और नानी से कहा कि नानी, कल रात मैंने घर के बाहर बहुत ही अजीब तरह के जीव देखे, वो सब बिल्कुल डार्क काले थे और उनकी आंखें लाल सुरख थी, और फिर मैंने आपके कमरे से भी बहुत ही अजीब आवाजों को सुना और आप भी शायद किसी से बात कर रहे थे, ये सब क्या था? मेरी बात सुनकर नानी बिल्कुल शांत हो गए। फिर कुछ देर बाद नानी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, तू अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि ये सारी बातें मैं तुझे बता सकती। तो मैंने नानी से कहा कि नहीं नानी, आप मुझे बताइए कि ये सब आखिर क्या था। तब नानी ने कहा कि मैं तुम्हें आज एक राज की बात बताती हूँ, लेकिन तुम इसे किसी से भी मत कहना। मैंने कहा कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तब नानी ने बताया कि जिनको कल रात तुमने घर के बाहर देखा था वो असलियत में जिन्न थे और वो सब मुझसे रोज हर रात मिलने आते हैं। मैंने कहा कि नानी, लेकिन वो सब आपसे मिलने के लिए क्यों आते हैं? तो नानी ने बताया कि तुम्हारे नाना जी बहुत ही नेक दिल आदमी थे जो कि इन जिन्नों की सहायता से लोगों की मदद करते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद ये जिन्न मुझसे मिलने आते हैं। दरअसल
जिन्न भी कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे जिन्न भी होते हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं और ये हमेशा रात में ही बाहर निकलते हैं। नानी ने बताया कि मैं आसपास पड़ोस में और दूर दूर तक जो भी किसी बुरी आत्मा या प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति होता है उसका नाम इन जिन्नों को बताती हूँ और ये जिन्न उस व्यक्ति की हर एक परेशानी को दूर कर देते हैं। नानी ने बताया कि उन जिन्नों में से एक जिन 1200 साल का है। मैंने नानी से कहा कि 1200 साल तो क्या जिन इतना जीते हैं? तो नानी ने कहा कि हाँ, जिन हजारों सालों तक जीते हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान भी होते हैं। नानी ने बताया कि जो शमशान घाट यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, ये जिन जब भी किसी बुरी आत्मा को पकड़कर लाते हैं तो उसी शमशान घाट में उसे जला देते हैं। मैं ये सब सुनकर एकदम दंग रह गया। मैं कहने लगा कि प्रेत आत्मा को जला देते हैं? मैंने तो सुना है कि जो बुरी आत्माएं होती हैं उन्हें कैद कर लिया जाता है। फिर नानी मेरी ओर देखकर मुस्कुराई और कहने लगी कि वो बुरी प्रेत आत्माएं इतनी बुरी होती हैं कि उन्हें वैसे ही जलाकर मार देना होता है, तब जाकर वे लोगों का पीछा छोड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों मुझे ये सारा माजरा समझ में आ गया कि मेरी नानी रात में क्यों किसी को अपने साथ अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। और एक साल पहले ही मेरी नानी की भी मौत हो गई। उसके बाद उन जीवों को मैंने फिर कभी नहीं देखा, या यूं कहिए कि उन जिन्नों को मैंने फिर कभी नहीं देखा। ये वाक्या मैंने मेरी नानी के जीवित रहते हुए कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन अब मेरी नानी भी इस दुनिया में नहीं है और ना ही वो जीव या फिर जिन मैंने फिर कभी देखे हैं। इसीलिए ये सच्चा वाक्या मैं जय शुक्ला चैनल के माध्यम से सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे साथ घटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। ये जो अगली कहानी है ये हमें रमेश जी ने भेजी है, तो आइए इनकी कहानी को सुनते हैं। मेरा नाम रमेश है। आज मैं जिस घटना के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये घटना 2008 के आसपास की है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि उन दिनों मेरे गांव में अचानक से मौतों का सिलसिला चालू हो गया था। गांव में हर दिन किसी न किसी आदमी की लाश तो जरूर मिलती थी और ये सभी डेड बॉडीज गांव के तालाब के पास पड़ी हुई मिलती थी। हमारे गांव का तालाब गांव के बाहर जंगल के बीच में था। ये घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि हमारे गांव के साथ साथ आसपास के गांव के लोग भी सकते में आ गए थे। लेकिन किसी को भी ये मालूम नहीं चल रहा था कि आखिर ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। फिर दूर के गांव के एक भगत को बुलाया गया। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ओझा तांत्रिक और झाड़ फूंक वाले लोग होते हैं, उन्हें हमारे गांव में भगत के नाम से बुलाया जाता है। तो उस दिन तालाब के पास एक महिला की लाश मिली थी। उसके घर वालों ने बताया कि रात में ये हमारे साथ ही सो रही थी, मगर सुबह हुई तो खबर मिली कि इसकी लाश तालाब के पास पड़ी हुई है। फिर भगत ने उस महिला के चेहरे को अपनी तरफ घुमाकर देखा तो उसका चेहरा बुरी अवस्था से घिरा हुआ था। उस भगत ने उस महिला की आंखों की पुतलियां खोली तो उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। फिर उस भगत ने बताया कि इस महिला की मौत शैतान के हमले से हुई है। सभी ने कहा कि शैतान, लेकिन अचानक ये शैतान गांव में कहां से आ गया जो हर रात किसी ना किसी को मौत के घाट उतार रहा है? तब उस भगत ने कहा कि कोई शैतानी रूह आपके पूरे गांव के ऊपर हावी हो चुकी है। ये महिला सोच के लिए बाहर आई थी और उसी दौरान उस शैतानी रूह ने इस पर हमला किया है। आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतिए, वरना ये रूह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर भगत वापस चला गया।
दूसरे दिन गांव में फिर से मातम का माहौल था। गांव के रामधीन काका के लाश उसी तालाब के पास बुरी अवस्था में मिली थी। जब गांव के सभी लोग रामधीन काका के पास मौजूद थे, तभी दो लोग गांव में से ही निकलकर सामने आए, जिन्होंने कहा कि हम आप लोगों को एक राज की बात बताने जा रहे हैं। यह सुनकर गांव के सभी लोग बिल्कुल चौकन्ने होकर उनकी बातों को सुनने लगे। उन्होंने बताया कि दरअसल आज से एक साल पहले हम दोनों और रामधीन काका इसी तालाब के पास बैठकर नशा कर रहे थे। उस वक्त सुबह के 4 बज चुके थे। जब हम लोग यहाँ पर बैठे थे, तभी एक औरत तालाब पर आकर नहाने लगी। हम सभी लोग झाड़ियों के पास बैठे थे, इसीलिए उस औरत को वहां पर हमारी मौजूदगी का पता नहीं चला। जब उस औरत ने अपने कपड़े उतारे, तो उसकी खूबसूरती को देखकर रामधीन काका मानो पागल हो गए और वो तुरंत उस औरत के पास चले गए। रामधीन काका को देखकर वो औरत चीखती हुई अपने कपड़े जल्दी से पहनने लगी, मगर रामधीन काका उस औरत से जबरदस्ती करने लगे और हम दोनों ने किया तो कुछ नहीं, लेकिन हम ये सब होते हुए देख रहे थे। फिर उस औरत का बलात्कार करके रामधीन काका ने उसे उसी तालाब में डुबाकर मार दिया और ये बात आई गई हो गई। लेकिन अब उस औरत की आत्मा हमारी मौत बनकर वापस आ गई है। रामधीन काका को तो उसने मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन वो अब किसी को भी नहीं छोड़ेगी और हमें वो जरूर मार देगी। आप लोग हमें बचा लीजिए। उन दोनों आदमियों की बातें सुनकर गांव वालों के होश फाकता हो गए और सारे गांव वाले उनके इस घिनौनी करतूत पर भड़क कर उन्हें मारने पीटने लगे। तभी गांव के कुछ लोगों ने कहा कि अगर इन्हें हम लोगों ने मारा तो उस आत्मा का प्रकोप इस गांव से कभी खत्म नहीं होगा। ये दोनों उसी आत्मा की मौत के दोषी हैं और इन्हें सजा भी वही देगी, तभी उस आत्मा को शांति मिलेगी। फिर सभी गांव वालों ने मिलकर उन दोनों को उसी तालाब के पास एक पेड़ से बांध दिया। वो दोनों चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि हम कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन गांव में किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। और कोई सुनता भी क्यों, क्योंकि उन्होंने कृत्य ही इतना सर्वनाश किया था। फिर उन दोनों को वहीं तालाब के पास छोड़कर गांव वाले वापस गांव लौट गए। रात में सभी लोग गांव में इकट्ठा होकर उनकी मौत का तमाशा देखने के लिए बेताब थे। रात के 1 बजे सभी लोगों ने देखा कि तालाब से एक निर्वस्त्र औरत बाहर निकली। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और पानी से डूबे हुए मुर्दे की तरह उसका पूरा शरीर फूला हुआ था। वो औरत गुर्राते हुए उन दोनों के पास पहुंचे तो वो दोनों जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। तभी उस औरत ने अपने दांतों से उनके चेहरे को बुरी तरह से नोच नोच कर विभस्त कर दिया। इस बीच उन दोनों की मरण तौल चीखे इलाके को खौफ का चेहरा दिखाने लगे। फिर वो औरत उन दोनों को घसीट कर तालाब के अंदर ले गई और उसने उन दोनों को तालाब में डुबाकर मार दिया। इसके बाद वो औरत जोर से चीखते हुए हंसने लगी। उसकी हंसी में उसका दर्द झलक रहा था, मानो उसने अपना बदला पूरा कर लिया था। फिर अचानक वो आत्मा गायब हो गई। इसके बाद से हमारे गांव में जो मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो हमेशा हमेशा के लिए थम गया। और फिर उस औरत की आत्मा को किसी ने नहीं देखा। मेरी बताई ये घटना बिल्कुल सच्ची है। दोस्तों, ये थी आज की रियल हॉरर स्टोरीज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हॉरर स्टोरीज जरूर सुनने में मजा आया होगा। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत जल्द आपके लिए सर्च एंड रेस्क्यू स्टोरीज और वेयरवॉल्फ, वेंडिगो और भी कई अलग अलग टाइप्स की हॉरर स्टोरीज भी लेकर आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके अपना फेवरेट टॉपिक बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे हॉरर स्टोरीज सुनने का मन है। चलिए
मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिए।